नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। भारत निर्वाचन आयोग ने असम की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए आगामी 21 अक्टूबर की तारीख तय कर दी है। असम प्रदेश कांग्रेस की बासी कड़ी में फिर से उबाल आ गया है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं के क्रियाकलापों से महसूस हो रहा है। गोगोई, रिपुन, देवव्रत, खेमू में बटी कांग्रेस के 5 विधायकों ने नई दिल्ली में डेरा डाल रखा है। फिलहाल हाईकमान के निकटस्थ किसी नेता ने उन्हें महत्व नहीं दिया, लेकिन उनकी कोशिश है कि सोनिया गांधी उपचुनाव से ही AIUDF के साथ तालमेल पर सहमति जता दे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय से ही पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई AIUDF से किसी भी तरह का घोर विरोध करते आ रहे हैं। उनका निजी विरोध मौलाना बदरुद्दीन अजमल से ज्यादा है। वर्ष 2016 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी अजमल और उनके हमदर्द नेताओं ने काफी प्रयास किए थे, लेकिन तब भी गोगोई के प्रभामंडल के आगे दिसपुर से लेकर नई दिल्ली तक कांग्रेस के किसी नेता की नहीं चली। इस समय नई दिल्ली में जमे नेता AICC नेताओं को यह समझाने के प्रयास में है कि AIUDF से चुनावी समझौता हुआ तो इन 3 अहम चुनाव में इतनी बुरी हार का सामना नहीं करना पड़ा होता। AICC के कुछ नेताओं से इस बार इनकी मुलाकात हो गई है, हालांकि असम प्रभारी महासचिव हरीश रावत से अभी बात नहीं बनी। कांग्रेस के भीतर एक धड़ा विशेष रूप से कांग्रेस विधायक दल के नेता देवव्रत सैकिया के विरोध में अधिक लामबंद होता दिख रहा है। सैकिया भी गोगोई की तरह अजमल से किसी तरह के समझौते के धूर विरोधी हैं। इनसे असहमत नेताओं का कहना है कि अल्पसंख्यक इलाकों में भी कांग्रेस की हालत कमजोर हो रही है। AIUDF से समझौता नहीं हुआ तो वहां भी वर्ष 2021 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उसी तरह साफ हो जाएगी जैसे BTAD इलाके में हुई है। दूसरी तरफ अभी अकेले चुनाव लड़ने का दम भरने वाले नेता मानते हैं कि अल्पसंख्यक इलाकों में कांग्रेस की हालत सबसे सबल है। चुनावी समझौता वोटों का बंटवारा ही करेगा। NRC के कारण बड़ी संख्या में भाषाई अल्पसंख्यक और वास्तविक भारतीय नागरिकों के पक्ष में लगातार आवाज उठाने के कारण राज्य में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। सैकिया शुरू से ही NRC पीड़ितों के पक्ष में कानूनी मदद देते नजर आए हैं। इन नेताओं का यह भी मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष रिपुन बोरा को और भी खुलकर सामने आना चाहिए। धन्यवाद।